हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कंचन शर्मा। मैं एक आयुर्वेदा गायनेकोलॉजिस्ट हूं और मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं अपने व्यूअर्स को एक्यूरेट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे योनि से आने वाली अलग अलग प्रकार की गंध के बारे में, जिसे हम वजाइनल ओडर भी कहते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि कौन सी गंध नॉर्मल होती है और कौन सी एबनॉर्मल, ताकि आप जान सकें कि कहीं आपको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मल के बारे में, यानी कि आपकी वजाइना से थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज होना और वहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी गंध आना, ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी वजाइना में रहते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ये आपकी वजाइना का पीएच जो है वो एसिडिक बनाए रखते हैं। एसिडिक होने की वजह से आपको आसानी से इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन हाँ, इनकी वजह से एक हल्की फुल्की गंध वो आती है। साथ ही वहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स हैं, यानी कि पसीने वाली ग्रंथि, तो थोड़ा बहुत पसीने मिली गंध भी आना, ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। तो अब हम जानते हैं कि एबनॉर्मल स्मेल कैसी होती है, और अगर आपको इस तरीके की कोई भी एबनॉर्मल स्मेल आ रही है तो डेफिनेटली आप अलर्ट हो जाइए। नंबर वन पे मैं बात करती हूँ फिशी स्मेल की। पेशेंट खुद बताता है आके कि हमें वजाइना से फिशी स्मेल आ रही है, यानी मछली की तरह या मछली सड़ने की हमको वहाँ पे गंध आती है। तो अगर आपको ईचिंग हो रही है, वहाँ पे मछली की गंध तो आ रही है, साथ में आपको ईचिंग हो रही है और आपको सफ़ेद सफ़ेद डिस्चार्ज आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको बैक्टीरियल वजाइनोसिस हो गया है। ये क्यों होता है? ये ज़्यादातर उन लोगों में होता है जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करते हैं और हेल्दी बैक्टीरिया को वहाँ से वॉश आउट कर देते हैं और अनहेल्दी बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लगती है। वैसे ये सेक्सुअली ट्रांसमिशन से भी होता है, बट ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी यही है जो लोग परफ्यूम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइप करेंगे, आर्टिफिशियल वजाइनल वॉश यूज़ करेंगे, तो उन्हें ये हो सकता है। इसमें आपको डॉक्टर डेफिनेटली एंटीबायोटिक्स देता है, साथ में आपको क्रीम्स भी देता है लगाने की, और वजाइनल पेस्ट्रीज यानी कि अंदर रखने की आपको कैप्सूल्स या गोलियां भी दी जाती हैं। और एक खास किस्म का डिस्चार्ज यानी कि पीला और हरा डिस्चार्ज आ रहा है, तो आपको ट्राइकोमोनियासिस नाम का इन्फेक्शन हो गया है। वैसे तो ये बहुत कॉमन इन्फेक्शन है, बट लोग इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते और ये बहुत परेशान करता है। और क्यों होता है? ये 99% सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, यानी कि आपको आपके पार्टनर से हुआ है अगर आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है। तो इसके लिए डेफिनेटली डॉक्टर क्या करते हैं, क्योंकि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, तो हस्बैंड वाइफ या फिर जो भी आपका पार्टनर है, दोनों का ट्रीटमेंट चलता है। इस तरीके की किट चलती है, ये दोनों को खिलाई जाती है, हस्बैंड को भी वाइफ को भी। इसमें तीन तरीके की यहाँ पे दवाई होती है। ये सबसे ऊपर वाली आपको लेनी होती है सुबह नाश्ते में, ये आपको दिन के खाना खाने से पहले, और ये दोनों आपको रात का खाना खाने के बाद लेनी होती है। वहाँ पे ओवर क्लीनिंग ना करें, बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करना अच्छी बात नहीं। कई लोग कहते हैं कि हम मैम बहुत सफाई रखते हैं, हम तो गर्म पानी यूज़ करते हैं, हम तो डिटॉल यूज़ करते हैं, तो ये मैं बार बार अपने वीडियोज़ में बताती हूँ कि वो बहुत सेंसिटिव एरिया है, वहाँ डिटॉल नहीं यूज़ करना। आप नेचुरल वजाइनल वॉश यूज़ कर सकते हैं, इस पर मैंने वीडियो आया है, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी, उसे आप वहां से देख लें। साथ में त्रिफला वाटर वॉश भी आप वहां यूज कर सकती हैं, वो भी आप दिन में एक बार करें, बहुत ज्यादा ओवर क्लीनिंग ना करें। अगर आप मेडिसिन नहीं लेना चाहते और सिर्फ खाने के जरिए, अपनी डाइट के जरिए चाहते हैं कि आपकी फ्लोरा मेंटेन हो, तो आपको कर्ड लेना चाहिए। कर्ड में काफी लैक्टोबैसिलस होते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, आपको स्वेलिंग हो रही है, वहां पे इचिंग हो रही है, तो मैं कर्ड लेने की सलाह आपको नहीं दूंगी। तब आप बटर मिल्क यानी कि मट्ठा ले लें, वो बहुत अच्छा है, बटर मिल्क से आपकी फ्लोरा वहाँ की मेंटेन हो जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखें, और खासकर जैसे ही इस किस्म के कोई सिम्टम आपको मिले एबनॉर्मल, तो डेफिनेटली अपने गायनेकोलॉजिस्ट से आप डेफिनेटली कंसल्ट करें। तो आज आई होप कि आपको काफ़ी नॉलेज मिल गई होगी इस वीडियो से। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।